ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन और क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, इससे ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी हम हिंदी में देखेंगे। अभी देखो ये यहां पे बेंजीन हमने लिया है, अगर इस बेंजीन का कन्वर्शन ब्रोमो बेंजीन में करना है तो आपको एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस करना होगा। यहां पर देखिए कि हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सिलेक्ट किया, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये कोई भी, बिकॉज सारे के सारे कार्बन यहां पे इक्विवेलेंट है। तो क्या हुआ, यहां पे एक Br एक H के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस H के जगह पे ये Br आ जाएगा, सो आपको मिलेगा ब्रोमो बेंजीन। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, वो कैटलिस्ट है FeBr3, यानी कि साइड प्रोडक्ट आपका हो गया HBr और ये हो गया आपका कैटलिस्ट, ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। अभी हम देखते हैं कि मैकेनिज्म, यानी कि पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी ये हम देखेंगे। अब देख लो, पहले क्या करेंगे, Br को उसके लुईस फॉर्म में, यानी कि लुईस स्ट्रक्चर में लिखेंगे। आपको पता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर 3-3 लोन पेयर्स रहते हैं, यानी कि हर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे Br लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज नहीं आता। 7 इलेक्ट्रॉन्स Br, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन अगर लिया, अगर उसके बाजू आजू बाजू में 7 इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड दैट हाइड्रोजन एटम, तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होता। हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है, ये भी एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा, क्योंकि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 7 के, ये 7 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी देखो पहली स्टेप क्या होती है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि पहली स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और कभी कभी रहता भी नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहता है। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो Br है उसकी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ करनी होगी। ये जो FeBr3 है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस रहती है वो इलेक्ट्रॉन ले सकती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले सकती है तो उसे बोलते हैं लुईस एसिड। So, ये FeBr3 कैटलिस्ट भी है और लुईस एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि हर एक ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन के एटम पे आप देख लो 3-3 लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये हो गया लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये हो गया लुईस एसिड। सो ये एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है। अभी क्या करते हैं, एक लोन पेयर यहां Br क्या करेगा, Fe को दे देगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर रहती है, तो इसलिए एक लोन पेयर मैंने क्या किया, शिफ्ट किया Br और Fe के बीच में, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी आप इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो बराबर रखो, ये Br के ऊपर आप देखो एक लोन पेयर कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें 7 चाहिए, इसका इस Br पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस मिडल वाले Br पे जो है जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए मैंने जो कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये Br के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। डिटेल में अगर चाहिए तो मेरा फॉर्मल चार्ज वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। तो अभी FeBr3 जो है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, दैट इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, खाली ये फॉर्मल चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने पेयर दे दिया, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये स्पेसीज डेवलप होगी, ये स्पेसीज बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बीच वाले Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल से, इस स्पेसीज से हमें Br पॉजिटिव मिल सकता है,
और कोई भी स्पेसिस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स हमने लिया इसको यहां पे ले लिया और हमारा जो बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अवेलेबल है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे अबव एंड बिलो द रिंग, हमने एरोमेटिसिटी में देखा है। तो क्या होगा, एक लोन पेयर, एक पाई बॉन्ड आपको बाहर निकालना पड़ेगा। यहां पे तीन तीन पाई बॉन्ड है और आप देखोगे कि हर एक दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। अगर आप यहां पे निकालना है तो ये पाई बॉन्ड निकालना पड़ेगा, यहां पे निकालना है तो ये पाई बॉन्ड निकालना पड़ेगा, मुझे ये पाई बॉन्ड यहां पे निकाल सकते हो, यहां पर भी निकाल सकते हो। सो हर, क्योंकि 6 कार्बन मैंने पहले बता दिया है कि जो है इक्विवेलेंट है, इसलिए पाई बॉन्ड आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। तो मैंने ये पाई बॉन्ड यहां पे निकाला है, निकालना है तो वहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, तो जहां पे बॉन्ड निकालना है वहां पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, ये कन्वेंशन है, आपको दिखाना पड़ेगा। सो देख लीजिए, अगर ये बॉन्ड यहां पे इस कार्बन पे अगर मैंने बाहर निकाला तो ये क्या करेगा, इस बीआर को जोड़ने के लिए काम आएगा। तो ये पाई बॉन्ड बाहर आ गया इस कार्बन पे, बीआर को जोड़ दिया, लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड ने पेयर इसको दे दी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसका जो पेयर है ये बीआर के ऊपर चला जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड यहां पे आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के बीआर के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये पाई बॉन्ड बाहर निकल के ये बॉन्ड फॉर्म किया उसने कार्बन और बीआर के बीच में, और हमने इसकी लोन पेयर यूज नहीं की, इसलिए तीन तीन लोन पेयर ऑलरेडी है और आप काउंट करोगे तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स इस बीआर पे, इसलिए चार्ज नहीं आ रहा है। अभी क्या है, बीच वाला जो बीआर था हमारा उसके ऊपर एक लोन पेयर और आ रही है, ये लोन पेयर, तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज चला गया और ये भी बीआर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है क्योंकि ये बॉन्ड ऑलरेडी वहां पे है। तो इसी तरह ये बीआर और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो बाजू वाला कार्बन है यहां पे तो हाइड्रोजन है, मैंने जैसे बता दिया कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे इस कार्बन पे इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, 3 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कार्बन पे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया लेकिन ये रेजोनेंस दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसके एडजेसेंट पोजीशन पे आप देखो ये पाई बॉन्ड है, तो अगर रेजोनेंस निकालना है तो क्या करना है, ये पाई बॉन्ड आपको इस कार्बन के बीच में शिफ्ट करना है, जैसे कि मैंने ये कर्व एरो में दिखाया है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं यहां पे तो आप देखोगे कि इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का स्ट्रक्चर इस कार्बन पे डेवलप हो रहा है, यहां पर अभी 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था पहले, अभी इस कार्बन पे माइग्रेट हो गया, डीलोकलाइज हो गया, उसको वर्ड है डीलोकलाइज, तो हमारा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अभी और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये पाई बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये पाई बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए आप देखो, ये यहां इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ ये तीन तीन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है। तो हर एक कार्बन पे यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 3 कार्बन उसको शेयर कर रहे, मतलब 1/3 है, यानी कि 1 से कम है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होने की वजह से ये स्टेबलाइज हो गया और यही इसका ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि इसी वजह से ये फॉर्म हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एरोमेटिक सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है, एरोमेटिक सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होने वाली, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहती है जिसके ऊपर सारा के सारा रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सो स्टेप 2 इज अवर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बिकॉज ये स्लो है, और स्लो क्यों है, क्योंकि यहां पे एरोमेटिक सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से बच गए, तो ये एरोमेटिक सेंटर डिस्टर्ब हो गया। थर्ड स्टेप इज फास्ट स्टेप,
क्यों है फास्ट है वो हम बाद में बताएंगे। आप देख लो कि हमें प्रोटॉन यहां पे जिस कार्बन पे बीआर है उसका हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा एरोमेटिक सेंटर ही फॉर्म नहीं होगा। तो अभी ये जो फॉर्म हो गया हमारा से स्टेप टू में, इसको यहां पे लेके आओ। तीन लोन पेयर इस बीआर के ऊपर है, ये लोन पेयर क्या करेगा इस प्रोटॉन को दे देगा और उसको बोलेगा भाई ये जो है आपका जो बॉन्ड है वो उसको बेंजीन को दे दो। तो ये अंदर चला गया तो यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। और अगर इसने ये पेयर डोनेट की तो इसके ऊपर तीन लोन पेयर चाहिए, तो ये जो बॉन्ड है एफ ई और बी आर के बीच में, ये बॉन्ड फिर से बी आर के ऊपर यानी कि ये लोन पेयर फॉर्म करेगा। तो हमारे बी आर के ऊपर अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो गया यानी कि ब्रोमो बेंजीन। और ये बी आर और एच के बीच में बॉन्ड फॉर्म होके आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल गया और आपका जो एफ ई बी आर थ्री है वो सेट फ्री हो गया यानी कि बाहर निकल गया। तो पहले स्टेप में इस यूज किया और लास्ट स्टेप में वो चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ई बी आर थ्री इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का रोल यहां पे अदा कर रहा है। तो यहां पर देख लो सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म, इसी तरह का मैकेनिज्म आप क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन में भी दिखा सकते हो, इसलिए मैंने स्लैश देके क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन यहां पे रख दिया। क्योंकि यहां ब्रोमीन की जगह पे अगर आप सीएल का मॉलिक्यूल लोगे तो आपको कैटलिस्ट भी FeCl3 लेना पड़ेगा। तो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म, बाकी का बचा हुआ मैकेनिज्म भी आप इस तरह चेंज कर लो, यहां पे सीएल आएगा और यहां पे सीएल आएगा, और मैकेनिज्म भी आप चेंज कर लो, जहां जहां बीआर दिख रहा है वहां वहां सीएल लिख लो, आपका क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन भी बन जाएगा। तो इसी तरह ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, ये रिएक्शन होती है और उसका मैकेनिज्म ये है। थैंक यू।